सो ऑलराइट हे गाइस, मैं आ गया हूँ वापस अपने 25 सेलेक्टेड फ़ोटो के साथ जो आपने ईमेल करी थी। और सारी ईमेल मैंने चेक करी थी और हर किसी को बाय स्टेप बाय स्टेप चेक करे थे। मुझे 1 या 2 दिन लगे थे ईमेल चेक करने में पूरी। मैंने हर किसी की फ़ाइल डाउनलोड करी है, देखी है और पॉइंट टू पॉइंट हर जगह नोट करी है। और अब मैं बाय नेम अरेंज कर रखी है मैंने यहाँ पे सबकी फ़ोटोज़ को, कि कोई टॉप 1 2 3 ऐसे नहीं है। 25 की 25 मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और हर किसी के इंस्टाग्राम नाम के हिसाब से लिखी है, अगर नहीं है तो उनका जो ईमेल नेम है वो मैंने यूज़ कर रखा है। तो होप आपकी फ़ोटोज़ इनमें से कोई एक हो। और बेस्ट विशेज हैं जिस जिस की हैं फ़ोटोज़। सो सबसे पहली फ़ोटो है उमंग 06 की, और ये है कंसेप्ट अच्छा था इनका कि इन्होंने तीन अपने आप ही को डिफरेंट कर रखा है। और ब्लेंडिंग अच्छी है और मेन बात है इनकी कटिंग बहुत सही है, स्मूथ है। और जैसे इन्होंने दिमाग लगा के कटिंग अच्छे से कर रखी है और मर्जिंग बहुत अच्छे से करी है कि कहीं से पता नहीं चल पा रहा है मुझे फ़ोटोज़ में कि स्प्लिट है। और जो मौका होता है कभी कभी लोग छोड़ देते हैं, उमंग गर्ग नाम है इनका। यहाँ पे जैसे लोग छोड़ देते हैं कि यहाँ पे मिसिंग होता है, नीचे लेग्स अच्छे से कट नहीं होते, यहाँ नहीं होते हैं, और ज़मीन में थोड़ी मिक्स आउट होती है, कभी कभी यहाँ शेडोज़ में हो जाती है, तो वो कहीं मुझे प्रॉब्लम दिखी नहीं। ह्यूज शाउट आउट है आपको उमंग गर्ग, आपने बहुत अच्छी फ़ोटो एडिट करी है, आप ज़रूर आगे जाओगे इस लाइन में। अगली फ़ोटो है आदिल एडिट्स की, तो नाम आप देख सकते हैं आदिल एडिट्स, और इनकी फ़ोटो है ये बाइक के साथ। तो जो मुझे सबसे बढ़िया लगा, अगर आपने कहीं से स्टॉक उठा रखा है या यूज़ कर रखा है तो उस बेसिस पे नहीं करा है मैंने। मैंने जस्ट यहाँ लेग्स के उसमें कर रखा है कि आपने बहुत अच्छा ब्लेंड दे रखा है यहाँ पे अपने लेग्स में, क्योंकि इतना अच्छा ब्लेंड कोई डाल नहीं पाता है सही से। बहुत लोगों की फ़ोटोज़ इसीलिए डिसक्वालीफाई भी हुई हैं कि ब्लेंड अच्छा नहीं था। तो ब्लेंड पे बहुत ज़रूर रखें। और फोटोशॉप में ब्रश आप जब यूज़ करें तो उसकी सॉफ्टनेस को ज़रा कम रखें और अराउंड 12-13% सॉफ्ट हार्ड रखें उस ब्रश को, पूरा ही 0% ना ले जाएं। तो यहाँ पे ये चीज़ अच्छी लगी मुझे, इसलिए फ़ोटो सेलेक्ट हुई है आदिल एडिट्स। भाई आपको शाउट आउट है, आपने बहुत अच्छी फ़ोटो एडिट करके डाल रखी है और इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया। अब आते हैं अल फरादीन नाम है इनका। इन्होंने क्रिएट कर रखा है एक फ़ोटो और इन्होंने ईमेल में मेंशन करा था कि ये सेव्ड फ़ोटो है उनके इंस्टाग्राम से। तो मैंने लुक करी सारी और ये फ़ोटो के साथ मैं कम अप करा कि इनकी ये वाली फ़ोटो बहुत सही थी। अब इसमें सही ये था कि थोड़ा सा रिम लाइट यहाँ पे ड्रॉ हुआ है थोड़ा थोड़ा, तो ये मैंने नोटिस करा। और उसके बाद जो आपने लेग्स में ब्लेंडिंग करी है, यहाँ पे आपने अच्छे से ब्लेंडिंग नहीं करी है, तो आप इसे ज़रूर परफेक्ट करें, ये एक परफेक्ट इमेज बन जाएगी आपकी अच्छी। और बैकग्राउंड सही यूज़ कर रखा है आपने, ये वाला डॉज का, डॉज चैलेंजर है शायद इस कार का नाम। ह्यूज शाउट आउट है भाई आपको अल्फरादीन, ठीक है। अगली फोटो है आर्टिस्ट हिमांशु झा। भाई आप आर्टिस्ट हिमांशु झा इन्हें ज़रूर फॉलो करें भाई। इनकी फ़ोटो देखी मैंने, स्पेशली मैंने नाम लिख के सेव कर रखी थी, तो इनका एक डार्क कॉन्सेप्ट है और ये बहुत अच्छा लगा मुझे जैसे आपने क्रिएट कर रखा है। फ्रॉम दी बिफोर टू आफ्टर ये फ़ोटो बहुत ही अच्छी है। आप इनकी मैं यहाँ पे बिफोर नहीं दिखा रहा हूँ, आप इनकी इंस्टाग्राम आईडी पे जाएं, आप ज़रूर चेक करें वहाँ पे। इनका नाम है ये आर्टिस्ट हिमांशु झा, सॉरी आर्टिस्ट हिमांशु झा है इनका नाम। आप जाके ज़रूर फॉलो करें और चेक करें इनका आफ्टर एंड बिफोर, और बहुत ही अच्छे से आपने क्रिएट कर रखा है, डिटेलिंग बहुत अच्छे से दे रखी है। चाहे आपने PNGs यूज़ कर रखी हो या कुछ भी यूज़ कर रखे हो, लेकिन आपने जो कॉन्टर और मेकअप बनाया है अच्छे से, तो वेल अप्रिशिएटेड है भाई इस चीज़ के लिए। और अच्छा लगा मुझे कंसेप्ट जो आपने क्रिएट कर रखा था, ठीक है।
तो यू शाउट आउट हिमांशु जवाई को, ठीक है। अब आते हैं आयान एडिट्स 03 है इनका, आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। और इनकी फ़ोटो में मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी हेयर कटिंग, हेयर कटिंग ऑन द टॉप बढ़िया है, बिल्कुल अच्छे से आपने कर रखी है। और प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे लगी है, ये जब आप क्रिएट करते हैं तो यहाँ ज़रूर ध्यान दें अपने हैंड्स के पास, तो ये नोटिस में है तो इतना थोड़ा ज़रूर देखा करें अपनी फ़ोटोज़ में। और आपने बहुत अच्छी फ़ोटो क्रिएट कर रखी है, और आप डॉज एंड बर्न यूज़ करें, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन या स्मूथनिंग ना यूज़ करें, और लेंस फ्लेयर को थोड़ा ब्लर करें क्योंकि डायरेक्ट ऐसे नहीं हिट करती है। तो मैंने कई फ़ोटोज़ इसलिए भी यूज़ करी हैं कि मैं आपको उनसे समझा भी सकूं कि आप क्या क्या मिस्टेक करते हैं अपनी एडिट में और उन्हें क्या क्या आपको अच्छे से फिक्स करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। और आपने सही जगह बैकग्राउंड बैकड्रॉप सही सिलेक्ट करा है, और फोरग्राउंड भी सही है आपका। सो ह्यूज शाउट आउट भाई आयान एडिट्स 03, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। फिर दिव भगत, इनकी फ़ोटो थी ये वाली। सो पहले तो भाई आपने बहुत सारी फ़ोटोज़ भेज रखी थी, तो उनमें से सेलेक्ट करने में मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हुई, लेकिन दिव्यांशु भगत है शायद आपका नाम, अगर मैं यहाँ रीड करूँ तो आपने यहाँ PNGs यूज़ कर रखी हैं, और PNGs ये चेन वाली बहुत सही थी। और जो आपने लेंस फ्लेयर यूज़ कर रखी है तो ये रियलिज्म प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपकी फ़ोटो में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखी है, वो है कि यहाँ अंडर आर्म शेडोज़ नहीं डाली आपने, यहाँ इसकी चेन की शेडोज़ नहीं क्रिएट करी हैं आपने बिल्कुल भी। और जब इधर की साइड रिस्ट पे आते हैं तो यहाँ पे भी ब्लैक होता है, आपने इसमें तो कर दिया, इसमें भी करना होता है ब्लैक, ठीक है। और आपने जो ये चेन पहन रखी है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, तो आपने इसकी कटिंग थोड़ी सही से नहीं करी है, या आपने PNG यूज़ करी है आई डोंट गेस की, लेकिन उसकी शेडो भी नहीं क्रिएट हुई है यहाँ सही से, तो इसे ज़रूर फिक्स करें, और ये बहुत अच्छी इमेज है। सो दिव्य भगत 5 को आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। फिर आती है एडिटिंग वर्ल्ड ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे इनकी फ़ोटो मुझे बहुत अच्छी लगी, और आपने जैसे ईमेल भेजी है मुझे स्टॉक यूज्ड की, तो ये भाई हैट्स ऑफ है आपको कि आपने भेजा, बहुतों ने शायद भेजा है, कईयों की थी ईमेल में, लेकिन आपके में बहुत वेल तरीके से लिखी गई है कि आपने क्या क्या स्टॉक यूज़ कर रखे हैं, और उसको अच्छे से प्रॉपर पिक शॉट में आपने क्रिएट कर रखा है। और यहाँ आपने आपकी फ़ोटो क्रिएट कर रखी है, तो मैं कहूँगा आपको आप पिक्सआर्ट से स्विच करें, फोटोशॉप की तरफ जाएं, आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ग्लो की, जैसा आप ग्लो चाह रहे हैं वो ग्लो आएगा नहीं पिक्सआर्ट में, क्योंकि इसमें ब्लेंडिंग मोड कम होते हैं, 5 या 6 होते हैं बस, और फोटोशॉप के अंदर कम से कम शायद 10-12 ब्लेंडिंग मोड है, तो यार बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपका काम बहुत अच्छा है, एडिटिंग वर्ल्ड ऑफ इंडिया आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। अब फाइम शेख इनका नाम है, इनकी फ़ोटो शायद मैंने इंस्टाग्राम पे भी देखी थी, अपने टैग करी थी, और ये मेरा ही कंसेप्ट था। सो इसमें मुझे अपने कंसेप्ट में बहुत सही लगा कि आपने थोड़ा सा अलग करा, क्योंकि बाकी सब यहाँ पे कंधे पे ही शोल्डर पे ही पुट कर रहे थे मैं उनकी, आपने बैग में कम से कम एक इनिशियल लिया कि हाँ थोड़ा सा चेंज आए, कुछ नया आए, इसलिए आपकी फ़ोटो सेलेक्ट करी है। और आप स्ट्रोक को थोड़ा और अच्छे से समझें, और जो आपने लाइट क्रिएट कर रखी है यहाँ पे, इनको भी ज़रा ध्यान दे रहे हैं, लाइट ऐसे बाहर नहीं जाती हैं, बिल्कुल थोड़ी अंदर रहती हैं। सो ह्यूज शाउट आउट है भाई आपको, आपने यूज़ करा और क्रिएट करा एक ऑसम आर्ट हमारे लिए। सो फाइम शेख आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। फिर आते हैं ग्रीस एडिटिंग जोन, सो इनकी फ़ोटो है यहाँ पे ये वाली। सो इसमें ब्लेंडिंग मुझे बहुत परफेक्ट लगी कि आपने कलर बहुत अच्छे से ब्लेंड रख रखे हैं, कि रेड कलर जो आपकी जैकेट का है वही मस्टैंग का भी है यहाँ पे। सो एक ये मेंटलिटी क्रिएट कर देता है कि हाँ बिल्कुल सेम टाइप ऑफ कलर अगर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में होते हैं तो वो मैच जरूर करते हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ का बहुत सही यूज़ रखा है। और आपका वाइट कलर ऑफ वाइट है लाइक स्काई की तरह, तो ये और अच्छे से ब्लेंड हो रही है मैं। सो ब्लेंडिंग के लिए भाई 10 आउट ऑफ 10 आपको इस जगह पे, और मुझे कमी बस यहाँ लगी थोड़ी सी पैर के यहाँ पे, आप थोड़ी शेडो पुट कर देते तो माइट भी ये और अच्छी लगती,
क्योंकि अभी ये थोड़ा सा फेक लग रहा है, लेकिन वो फोटो का लोअर पार्ट है इसलिए कोई नोट नहीं करेगा जल्दी, लेकिन मैंने आपको बताया तो आप जरूर इस पर वर्क करें, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो गुरीस एडिटिंग जो, उनको आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे ज़रूर, और वीडियो को भी ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें यार। बहुत देर से बना रहा हूँ, अराउंड 10 मिनट हो गए हैं, बोलते बोलते गला ही थक गया। अगली फोटो है आई एम पूर्णा। सो भाई बहुत पहले से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अराउंड शायद मेरे 2000 फॉलोअर थे तब से कर रहे हैं ये भाई। सो भाई हैट्स ऑफ, आपने इतना टाइम मुझे सपोर्ट करा है, और आपकी ये फ़ोटो मुझे सही लगी लाइक कलर टोन्ड वे में। जस्ट बी ऑनेस्ट कि आपने जो लाइट अच्छे से यूज़ कर रखी है यहाँ पे इधर के लिए, सो क्लिकिंग के लिए इसमें 10 out of 10 है। एडिट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे कि आपने जो ग्रीन कलर है उसे कुछ ज़्यादा ही ओवर सेचुरेटेड कर दिया है, तो इसे आप ज़रूर मेंटेन करें क्योंकि वो जो ग्रीननेस हो रही है वो आपके जीन्स तक आ जा रही है। तो एक ये पॉइंट था मुझे जो आपको एक्सप्लेन करना था सबको, कि जब भी आप कोई सेचुरेशन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें तो उसे ज़रूर नोट करें कि आप जिस जगह चाहते हैं वो सही हो रहा है, बाकी सब मास्क आउट करके आप उसे निकाल दें एक्सेस को। क्योंकि यहाँ जीन्स में अब आप देख सकते हैं ग्रीन कलर आ रहा है, तो ग्रीन कलर की जीन्स नहीं होती है यहाँ पे, ब्लू कलर की होती है, तो आप इसे मास्क करके इजीली सही कर सकते थे। तो ज़रूर शाउट आउट है भाई को, आई एम पूर्णा, आप ज़रूर चेक करें। फिर आते हैं जतिन डीगरा भाई। भाई का कंसेप्चुअल पार्ट है, सो ये फर्स्ट आर्ट है जो मेरे में कंसेप्ट वाइज आई है, और इसमें अलग मॉडल रोल है। सो यहाँ आपने शूटिंग स्टार का है और कंसेप्ट अच्छा है आपका शिलआउट का। मैं भी पहले क्रिएट करता था, लेकिन थोड़ा इसमें आप और रियलिज्म ऐड कर सकते थे, बजाय आप पे यहाँ पे ये डाला पार्ट, यहाँ पे आप मून डाल सकते थे तो वो थोड़ा और क्रिएटिव रहता। और जो आपने शूटिंग स्टार्स डाले हैं इनको ज़रूर ब्लर करें, क्योंकि ये बैकग्राउंड है आपका, फोरग्राउंड ये है बैकग्राउंड वो है, तो सेपरेशन होगा, जस्ट स्टार स्काई बिल्कुल पास नहीं होता है, तो इसको जरूर मेंशन करें आप। सो ह्यूज शाउट आउट है भाई जतिन डीगरा भाई को। और फिर आते हैं जतिन शर्मा एडिट्स हैं, तो भाई का एक कंसेप्ट क्रिएटेड है यहाँ पे हैंड्स के साथ, सो बहुत अच्छा था। और ये मैंने इसकी मेकिंग भी देखी थी इंस्टाग्राम पे आपने डाली थी, तो बहुत सही है कि आप वर्क कर रहे हैं कंसेप्चुअल आर्ट्स पे, और ह्यूज शाउट आउट है भाई। यहाँ पे थोड़ा आप इम्प्रूव कर सकते थे अपने आप को, लाइक डॉजन बर्न से अपने फेस को थोड़ा और हाईलाइट करने का, और हैंड्स में और कंट्रास्ट डालने का। अभी क्या है कि कंट्रास्ट बस पूरे ऑल ओवर इमेज पे आपने जहाँ डालना था लाइक हैंड्स पे, तो वहाँ आपने कंट्रास्ट नहीं प्रोवाइड करा है, इसलिए फ़ोटो की थोड़ी कैची नहीं लग रही है। तो कैची ज़रूर बनाएं अपनी फ़ोटो को, कंट्रास्ट कैसे यूज़ करते हैं इसे ज़रूर चेक करें। सो ह्यूज शाउट आउट है जतिन डींगरा भाई, जतिन शर्मा एडिट्स, सॉरी नाम कन्फ्यूजन के लिए। फिर जे आर एडिट्स हैं, सो आप भाई को ज़रूर फॉलो करें। इनका इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है, इंजामुल इस्लाम जे आर। सो भाई को ज़रूर फॉलो करें, बहुत अच्छे आर्ट क्रिएटर हैं, और मैं भी खुद फॉलो करता हूँ भाई को। सो इसमें पार्ट लेने के लिए धन्यवाद भाई आपका, और थोड़ी बहुत मिस्टेक हैं तो ज़रूर पॉइंट आउट करूँगा मैं कंसेप्ट में। ईमेल इंस्टाग्राम पे नहीं दिखता लेकिन यहाँ दिख जाता है। सो जब आपने आर्ट क्रिएट कर रखी थी तो ये बहुत अच्छी थी, और इंस्टाग्राम पे वायरल है ये इमेज, मैंने देखी थी। और जो इसमें आपको थोड़ा सा चेंज था वो था आपको हेयर्स में यहाँ ध्यान देना, ये मेरे को थोड़ा सा खटका हल्का सा। और जब आप यहाँ पे ये हेयर्स को सेपरेट कर देते हैं और उसके बाद जब आप इन्हें हटाते हैं तो एक ब्लैक ब्रश लेके प्रिंट करना होता है इनके ऊपर, जिससे पूरा हाइड हो जाता है। तो बस एक यही पॉइंट है जो मुझे लगा खटका, तो मेरे को बताने का मन करा भाई। सो बहुत अच्छी आर्ट है आपकी, और ज़रूर फॉलो करें भाई के, बहुत औसम औसम आर्ट्स हैं इंस्टाग्राम पे। सो ह्यूज शाउट आउट भाई जे आर एडिट्स। और फिर आते हैं करण क्रिएशंस पे, तो आपकी फ़ोटो शायद कंसेप्ट आर्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट हुई थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये कंसेप्ट, कहीं
अगर ये कॉपीड है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट डाउन करके मुझे बताएं। लेकिन मैंने ये आर्ट नहीं देखा था अपने इंस्टाग्राम फीड में, तो इसलिए मैंने ज़रूर मेंशन करा है। और जान मुकदी नाम शायद है आपका, यहाँ पे आपने लिख रखा है। बहुत अच्छा आर्ट है और थिंकिंग बहुत नेक्स्ट लेवल है। लेकिन आप जब यहाँ कटआउट करते हैं तो शेडो कभी माथे के ऊपर नहीं आती है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखें और शेडो यहाँ तक क्रिएट करें बस। थैंक यू, आपने पार्ट लिया इस कॉन्टेस्ट में। फिर आते हैं लाइफ वन हैकर भाई के, बहुत अच्छे कंसेप्ट लगे मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला कंसेप्ट, क्रॉसबो के साथ बहुत अच्छा कंसेप्ट था। लाइटनिंग ऑल ओवर परफेक्ट है, हेयर में भी बहुत परफेक्ट है, और जो आपने स्पार्क्स यूज़ कर रखे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और डस्ट पार्टिकल यूज़ कर रखे हैं तो वो एक फील डाल रहे हैं फ़ोटो के अंदर। और ब्लेंडिंग टॉप टू द नॉच है, और जो आपने कलरिंग कर रखी है वो भी बहुत अच्छी है। बस खटका मुझे कहाँ पे कि जब आपने यहाँ कान के पास रिम लाइट नहीं क्रिएट करी, तो आप ज़रूर रिम लाइट पे फोकस करें, वो आपकी आर्ट को और नेक्स्ट लेवल लेके जाएगा, जिससे आपको इन फ्यूचर बहुत मदद मिलेगी। और आपका ये दूसरा आर्ट है, आपकी दो आर्ट मैंने मेंशन करी है, ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे आयरन मैन का। लेकिन इसमें कटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है मुझे यहाँ पे, कटिंग पे ज़रूर ध्यान दें। और रिम लाइट एकदम से ना बनाए, थोड़ा इरेज कर करके बनाए आप, आपका आर्ट ज़रूर नेक्स्ट लेवल पे जाएगा भाई। लाइफ वन हैकर ज़रूर फॉलो करें, शाउट आउट है भाई को, और अच्छी एडिट करते हैं। मिक्की 04, आपकी आर्ट सेलेक्ट इसलिए हुई थी कि आपने बहुत अच्छी ब्लेंडिंग क्रिएट कर रखी है यहाँ पे लेग्स के पास यहाँ पे, और अपने आप में बस इसमें कमी क्या थी कि आपने ब्लर क्रिएट नहीं करा, क्योंकि जब फोटो क्लिक होती है तो ब्लर ज़रूर होता है बैकग्राउंड, चाहे आप किसी भी चीज़ से क्लिक करें इतनी, तो ज़रूर ध्यान दें वो ब्लर कैसे क्रिएट होता है और कैसे नहीं होता है। फिर उस शाउट आउट है भाई को भी, मिक्की 04 आप फॉलो कर सकते हैं, भाई के आर्ट अच्छे हैं। फिर आते हैं मौजाम अख्तर, भाई ने बहुत अच्छा और प्यारा कंसेप्ट क्रिएट कर रखा है यहाँ। आपकी रीटचिंग बहुत अच्छी है, लाइक टेक्सचर चले गए हैं लेकिन फील है स्किन में अभी भी, तो आप ज़रूर टेक्सचर्स पे वर्क करें। और आपका हेयर कटिंग बहुत सही है, इसे थोड़ा और इम्प्रूव करें, क्योंकि जब आप यहाँ थोड़ा डीप में जाते हैं तो टर्न्स नाइटमेयर, इसको ज़रूर ध्यान दें आप। और ब्लेंडिंग बहुत परफेक्ट है, शाउट आउट है भाई को, मौजाम अख्तर आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद पिक्सल स्नैप है, आप फॉलो कर सकते हैं भाई को, और यहाँ पे आपकी ग्रेट ब्लेंडिंग है, लाइक टोनी मैफर्ट की कुछ कलर टोन्स लग रही हैं मुझे ये फेडेड में। ग्रेनी वर्क है, और ग्रेनी वर्क आजकल बहुत कम देखा है मैंने, तो ये एक बहुत सही चीज़ है भाई कि आप ग्रेनी में वर्क कर रहे हो, ह्यूज शाउट आउट है। और बस गलती मुझे कहाँ लगी यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसे ज़रूर वर्कआउट करें और आप ज़रूर फेड करें। आप फील्ड ब्लर यूज़ कर सकते हैं, फील्ड ब्लर बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे आपके लिए। पिक्सल स्नैप शाउट आउट है भाई। फिर आते हैं राहुल समाल, आपने मोशन ब्लर बहुत अच्छा यूज़ कर रखा है यहाँ पे, इसमें बहुत अच्छा लगा मुझे। कटिंग आपकी टॉप नॉच है, अच्छे से करा है आपने कटिंग, और हेयर्स को भी अच्छे से करा है, बहुत एक्सटेंड नहीं करा है, और ये थोड़ा आपने यहाँ पे वर्क रिम लाइट पे करा है, तो ज़रूर थोड़ा सा चेंज चाहिए इसमें आपको, और टेस्ट अकॉर्डिंग कि आप कैसे करें, ज़रूर वर्क करें इस चीज़ पे। फिर ऋषभ प्रधान की है फोटो, और यहाँ ये वाला कंसेप्ट है, और राज एडिटिंग मचमुगर में ये शायद उन्होंने यूज़ कर रखा था, लेकिन आपने यहाँ बहुत अच्छी रिम लाइट और ब्लेंडिंग क्रिएट कर रखी है हेयर्स में, तो ह्यूज शाउट आउट है भाई आपको, और मोर क्रिएट करें आप ऋषभ प्रधान। ह्यूज शाउट आउट है भाई को, ज़रूर फॉलो करें आप इंस्टाग्राम पे। आर्ट अच्छा लगा मुझे आपका, और
कीप क्रिएटिंग। उसके बाद साई कृष्णा एस के इनकी फ़ोटो है। सो आपने दूसरी ईमेल पे भेजी थी मेरी, तो मैंने उनमें से भी सेलेक्ट करी थी सारी जगह देख के। सो यहाँ मुझे सही लगा आपका, बहुत कंसेप्चुअल आर्ट बहुत अच्छा क्रिएटिव है, लेकिन इसे थोड़ा और जान डालें और यहाँ ग्लो क्रिएट करें। तो ग्लो क्रिएशन पे आप ज़्यादा ध्यान दें, और साई कृष्णा एस के भाई को ज़रूर शाउट आउट आप देख सकते हैं। फिर शांतनु राठौर 07, भाई आपने बहुत अच्छी ब्लेंडिंग क्रिएट कर रखी है यहाँ पे इमेजेस में, और बैकग्राउंड सिलेक्शन आपका बहुत अच्छा था यहाँ पे, और रिम लाइट क्रिएट करते आप तो और बेटर रहता है यहाँ पे। और हैंड्स के पास ये वाली रिम लाइट अगर आपने क्रिएट करी है तो बहुत अच्छी हैं और स्मूथ हैं ये रिम लाइट्स। और यहाँ पे थोड़ा बस वर्क यहाँ रह गया था आपका स्पेक्स में, तो ये खटक रहा था मुझे बस। तो यहाँ ज़रूर ध्यान देते आप, इसको पहले यहाँ से आप मास्क आउट करते, यहाँ से मास्क आउट करते और फिर फेक हेयर्स ऐड करते तो आपका काम ज़रूर बन जाता। सो ज़रूर ध्यान दें आप अगली बार से इस चीज़ का, क्योंकि मैं बहुत डीप पॉइंट पॉइंट पे ले जाके नोटिस करता हूँ हर फोटो को। सो ह्यूज शाउट आउट है शांतनु राठौर 07, भाई ज़रूर फॉलो करें इन्हें। और ये सारे नाम मैं ज़रूर कमेंट डाउन कर दूंगा कि आप इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं और ज़रूर चेकआउट भी कर सकते हैं। और फिर ये है भाई की फ़ोटो, शिवा गणेश नाम है इनका, और आर टी टेढ़ी भेजी है यार आपने, कभी आर्ट ऐसे टेढ़ी नहीं भेजते हैं। और ओ आर्ट टेढ़ी नहीं थी आपकी फ़ोटो, स्टिकिंग टू द ग्राउंड आपने क्रिएट कर रखी है। सो बढ़िया आर्ट है, और ये मैंने इसलिए सेलेक्ट करी थी, मुझे शेडोज़ बहुत अच्छी लगी आपकी, आपने जो शेडो यहाँ क्रिएट कर रखी है बहुत ही एस्थेटिक है और अच्छी लग रही है। सो कंसेप्ट वाइज मैंने फ़ोटो देखी नहीं थी सही से, लेकिन कंसेप्ट भी आपका बहुत अच्छा है। सो जी एस क्रिएशन है भाई का इंस्टाग्राम आईडी, आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं और ज़रूर देख सकते हैं वहाँ पे अच्छे अच्छे क्रिएशंस। और ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा मुझे, सॉरी कि स्टार्टिंग में बोला कि सीधी भेजनी चाहिए। सो ह्यूज शाउट आउट है गणेश शिवा भाई को, शिवा गणेश भाई को। अब सिद्धेश एक्स टी है भाई, इनकी फोटोज ये वाली है। सो ये बहुत ही अच्छी लगी मुझे, आपने क्रिएट कर रखी है एंजल्स के साथ, लेकिन फैदर पे आप ज़रूर वर्क करें और पीएनजीज अच्छी चुने और हेयर पे ज़रूर वर्क करें। रिम लाइट आपने अच्छे से क्रिएट नहीं करी है तो इसे ज़रूर अच्छे से क्रिएट करें। सिद्धेश गवाली शायद आपका इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं सब सिद्धेश गवाली को। अपने सही आर्ट क्रिएट करिए, आप कंसेप्ट सही क्रिएट कर रहे हैं, बस उसका एग्जीक्यूशन और अच्छे से करें, ठीक है। उसके बाद तुषार रौतेला भाई हैं, भाई के बहुत अच्छे अच्छे क्रिएशन है यार, और इंस्टाग्राम पे मैंने भाई के बहुत ही अमेजिंग आर्ट देखे हैं, और भाई बहुत ही अंडररेटेड हैं कि कोई फॉलो नहीं कर रहा है। सो भाई का ये क्रिएशन है जो मुझे मुझे पर्सनली खुद बेस्ट लगता है भाई का क्रिएशन, और ह्यूज शाउट आउट है भाई आपको, इतना अच्छा आर्ट आपने क्रिएट कर रखा है। और बस थोड़ा आइस पे वर्क करना था यहाँ पे और अच्छे से ब्लेंड हो जाती भाई, ठीक है। तो आर्ट अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा आर्ट है। सो प्लीज़ गाइस फॉलो करें तुषार रौतेला को और इनके इंस्टाग्राम आईडी पे, और आपको बहुत अमेजिंग आर्ट देखने को मिल जाएंगे, इनके बहुत सारे आर्ट है। सो थैंक यू गाइस, आपने मेरे इस वीडियो को पूरा देखा, और यहाँ ये 25 सेलेक्टेड बंदे कंप्लीट हो गए हैं, और ये मेरा नेक्स्ट वर्क है, लेकिन मैं पोस्ट नहीं करूँगा, अच्छा नहीं है ये, कुछ नया क्रिएट करेंगे। सो थैंक यू गाइज, और चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बहुत देर तक आज ट्यूटोरियल लॉन्ग हो गया।